और एक बात और से भाई, क्या साल हो गए कई बिना मेरे प्रयोग होंगे उसे एक क्या के गला लाग रहे हो वा कि उनका के सिमरीज है एक बड़ा अपना वा कुलदीप ना नारा देखे ना भाई तू मत आ दिया था यार भाई इकडे भाई जी दिए तो मार जीती ने पैन बाबा एक तो भाई बात डॉक्टर रूम का काली बात है भाई अपना दोनों लाग दो या तो कर सुनो तो को मेरी इतना पे है एक मिनट में बात भाई दो बोले आदि बैठे नेम करो आग बाबा ने वोट देने जी नमस्ते जी बात तो करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आज आपका चुनाव उठ रहा हल्के के तो शाम के अंदर, उसी प्रकार से आपके विरोधी की तरफ कमजोर होती जा रही, क्या मानते हैं विधायक जी ये चुनाव क्या रूप ले रहा, किस प्रकार से चलेगा? देखो अजय जी, अब जब से हमने शुरुआत की है अभी दो तीन दिन पहले से, इतना भारी समर्थन लोगों का मुझे मिल रहा है, उसके आधार पे मैं बीजेपी से भी चुनाव लड़ा, 56-57 हज़ार वोट आए और अब एक पंचायती उम्मीदवार तौर पे हूँ और कल भी इन गांव में सारी जगह इतना भारी समर्थन है। मैं बीजेपी कैंडिडेट का होता तो, बल्कि इतना समर्थन मुझे जब भी नहीं मिला, जब भी मिल रहा है तो मैं मानता हूँ ये लोगों का तो शाम हल्के के बहुत बढ़िया भले न्यायप्रिय इंसान हैं, इसलिए तो शाम हल्के की नाम और धाक अलग है। जिस प्रकार से आज तारीख 16 हो गई तो आज की जो फार्म उठाने वाली डेट है वो आज लास्ट डेट है, जी क्या मानते हैं? दबाव तो आपके ऊपर भी होगा, आपके सेंटर के मंत्री हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह की गाड़ियां हैं, काफ़ी दिख रही, तो शाम हल्के की एक क्वेश्चन मार्क पे आए और उस क्वेश्चन मार्क पे आप आए हुए, तो अब क्या मानते हैं कि आप फार्म उठा पाएंगे या फिर अब चुनाव लड़ने का काम करेंगे? क्या आप तो पंचायती उम्मीदवार हैं, देखो दबाव आपके ऊपर दबाव कितना है? देखो अजय जी, मैं शाम हल्के की जनता ने पंचायती उम्मीदवार बनाया हूँ और हजारों बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे के फार्म भरवाया। ये आप वाला शक बिल्कुल ठीक है कि केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा दबाव मेरे पे है और आज भी ये ठीक है भैया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी कल से आए हुए हैं और अमित शाह जी भी आज हैं, मुख्यमंत्री जी भी, मनोहर लाल जी भी, और मेरी भी मीटिंग हुई है सीएम से भी, पूर्व सीएम से भी इसी बारे में, और आज भी सुबह मैं गांव के दौरे पे हूँ, सुबह हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व सारा आया हुआ है, वो मेरे से चर्चा हुई, उन्होंने कहा फार्म विड्राल के लिए और मुझे अलग पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेवारियां देने के लिए कहा है, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि भाई मैं तो आर्य समाजी अटपट का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई लोभ लालच पर लोभन दबा नहीं सकती, और ये शशि परमार का तुसाम विधानसभा का फार्म नहीं है, ये तुसाम हल्के की 36 बरादरी की जनता का फार्म भरा हुआ है, हजारों आदमियों ने आके नॉमिनेशन भराया था, अब मैं पंचायती उम्मीदवार हूँ, अब मेरा बीजेपी ने तो भाई मेरी 10 साल की मेहनत की कदर नहीं करी और कोई नहीं, लेकिन पंच गाम राम है भगवान है, उन्होंने मेरी कदर करी, उन्हीं ने फार्म भरवाया है, अब इस फार्म को विड्राल का काम शशि परमार का नहीं है, ये तुसाम हल्के की 36 बरादरी की जनता उन्हीं का भरवाया और फार्म है, अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, मैंने ये कहा और इस बात के लिए मना किया जी, मेरे बस की बात नहीं है, दबाव बहुत था। क्या क्या डील दे रहे भाजपा बड़े बड़े नेता, सेंट्रल मंत्री हैं, तो आपको क्या क्या ऑफर दी जा रही है आज के दिन के फार्म उठाने के लिए? राहुल के बताने काम करें, पब्लिक के बीच में पंचायत में बैठे पंचायती उम्मीदवार है? नहीं, मैं तो पंचायती उम्मीदवार हूँ, जब से मैंने नॉमिनेशन भरा है धरातल खिसका हुआ है मैडम किरण चौधरी जी का, क्योंकि मेरा तो बेस पार्टी का रहा और उसी पे 56-57 हज़ार वोट आए, अब पता है भाई ये इसके वोट असली बीजेपी असली बीजेपी शशि परमार है, और ये मैडम किरण चौधरी जी ने तो जैसे
पैराशूट की उम्मीदवार है माँ बेटी ये, और पार्टी को भी हाईजैक कर लिया, तो आम कार्यकर्ता मेरे से जुड़ा हुआ है लो, इसलिए इनको मुश्किल हो रही है, और उसी लिए मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, तरह तरह के प्रलोभन राजनीति में जो दिए जाते हैं, यहाँ चेयरमैन बना देंगे, केंद्र में बना देंगे, आपको इतनी बड़ी पोस्ट दे देंगे, आपको एक विधायक की तरह हमने पहले रखा है 5 साल, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी ने, हाँ इसमें दोहराए नहीं, मैंने उनको कहा भी आपने मुझे विधायक की तरह मेरे सारे तुसाम के काम में सैकड़ों करोड़ की करवा पाया, ये भी आश्वासन भी आपको आगे भी विधायक की तरह रखेंगे, लेकिन ये फार्म विड्राल के लिए सभी केंद्रीय नेतृत्व का मेरे ऊपर, क्योंकि आज आपकी बात ठीक है, आज फार्म विड्राल की लास्ट डेट है, इसलिए आज सारा शीर्ष नेतृत्व हमारा बीजेपी का भिवानी में है, डेरे डाले हुए हैं उनका, लेकिन मैं एक ही बात है कही है, कल से मुझे 5-4 दिन हो गए इन बातों को, तो कब दिल्ली में भी मुझे बुलाया, आज भी हमारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ सारा का सारा बैठा हुआ है, लेकिन मैंने एक ही बात कही जी, यो फार्म उठाने का अधिकार शशि परमार का नहीं है, मैं पंचायती उम्मीदवार हूँ, इलाके का बनाया और कैंडिडेट हूँ, और उन्हीं ने फैसला करना है, मेरे हाथ में। तो बताइए आपको कहीं इस बात का भय भी है या कहीं आपको क्वेश्चन भी है कि आपका फार्म कैंसिल भी करवाया जा सकता है, ऊपर के दबाव पार्टी नेता द्वारा ऐसी इस तरह काम भी हो सकता है? बताइए, मैं भगवान का रूप है, वह है कि बात का पार्टी को फार्म उठा सकते हैं, कोई कैंसिल करा सकते हैं, आपको लगता है आपको कुछ बातें ऐसी चर्चा शुरू से मिलने में चल रही है आपकी भर्ती कि शशि परमार का फार्म है वो रद्द करा दिया जाएगा, कैंसिल करा दिया जाएगा, बताइए क्या मानते हैं? बताइए, अब पार्टी हाईकमांड तो चाहती है भी किसी डाले वो फार्म लिखड़ जा, क्यों मैडम किरण चौधरी को ये फार्म भरने से धरातल खिसका हुआ है, इसलिए सारे तरह के प्रेशर हैं, ये इनके इन प्रकार आज क्योंकि आखिरी दिन है, लेकिन मैं भरी पंचायत में गांव में आया हुआ हूं, मैंने हाईकमांड को कही है, उन्होंने भी मुझे कहा है भाई आप सोच विचार के फिर विचार करके जो फैसला लो, लेकिन मैं बड़ी पंचायत में कहता हूँ और उनको कह के आया हूँ कि भाई यो मामला मेरे में मेरे बस की नहीं है, आज जो ये शक हो रहा है कि वे शशि आज सांस तक फार्म उठाओगा, पार्टी का दबाव है और मेरे उनसे पर्सनल रिलेशन है हाईकमांड से, लेकिन हकीकत ये है आज शाम को मैं किसी से सामने झुकने वाला नहीं हूँ, ईश्वरीय कृपा है तो शाम हल्के के 36 बरादरी के लोगों की ताकत और इनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कोई हेरा फेरी भगवान भी नहीं करण देगा और जनता मेरे साथ है, और ये आज आप देखेंगे आज शाम तक चुनाव चिन्ह मिलेगा और चुनाव चिन्ह लेने के बाद ही मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। जिस प्रकार से आपके समाज की अगर बात करूँ राजपूत समाज की, तो केंद्रीय मंत्री तो वीरेंद्र सिंह जी एक अहम चेहरा दिखे जाते हैं समाज के अंदर भी, और भाजपा के अंदर एक अच्छा पद और कद रखते हैं समाज के अंदर, जी क्या मानते हैं कि आप उनकी बातों पर अनबन सी या किस बात की और अपेक्षाएं उपेक्षाएं? नहीं, वो कल से आए हुए हैं, कल से आए हुए हैं, वो कल से आए हुए हैं, आज भी यहाँ हैं, आज भी गजेंद्र शेखावत भी, मुख्यमंत्री भी, मनोहर लाल जी भी, अमित शाह जी भी आए हुए हैं, सारी बातें हैं, लेकिन तो बात पर डर चुकी है आपके नाम से आपके काम से? देखो मैं तो एक कार्यकर्ता रहा हूँ 10 साल से, इस पार्टी को सींचने का मैंने काम किया है, 1857,000 वोटों पे एक के घर में दाणी में जाके तुसाम में जब ये जोड़ी है, इसलिए उनको पता है कि भाई शशि चुनाव लड़ता है और फार्म नहीं होता विड्राल तो घनखरा बीजेपी का धरातल और आधार खिसक है, और ये पंचायती उम्मीदवार के तौर पे तुसाम हल्के की 36 बरादरी की जनता इसको हर हालात में बनाएगी, वो बीजेपी का इसमें सफाया होगा, और उसी बातों के लिए ये सारा मेरे पे दबाव है। लड़ेंगे और जीतेंगे? बिल्कुल, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं आर्य समाज को मानता हूं,
मैं पैसा पद इनकी अहमियत मेरे जीवन में कभी नहीं रही। मैं छोटी उम्र में भी आज नहीं आज से 25-30 साल पहले भी विधायक रणबीर महेंद्रा जी के मुकाबले बन लिया, छतर सिंह स्पीकर साहब के मुकाबले बन लिया, लेकिन मेरे लिए कभी पद पैसा अहमियत नहीं रही। मेरी जनसेवा मेरा विशेष, जनसेवा के लिए मैं आया हूँ और अब भी जनसेवा के लिए तुषाम हल्के में विधायक बनके हरियाणा सरकार में शामिल इलाके के काम कराने के लिए मेरा जुनून है, ताकि ना झुकेंगे ना डरेंगे। बिल्कुल आपकी सही बात है, चुनाव लड़ेंगे कि भाई जो 36 बरादरी का जो मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है कि भाई शशि किसी की परवाह करेगा नहीं, ना डरेगा ना झुकेगा, जो बिरादरी का 36 बरादरी का विश्वास है उस पर मैं खरा उतरूंगा। आप देखेंगे आज शाम तक ये जो प्रभाव असर और दबाव के बादल हैं शाम तक छटेंगे, हमें निशान मिलेगा और कल से विधिवत से जो ये पार्टी का प्रचार प्रसार का अभियान शुरू होगा, ये ठीक है सारे हल्के में ये आप कई बात अजय भाई ठीक है, मैं कितने कोई से काम में जाऊँ विधायक जी, देखिए फार्म ना ठा लिए, फार्म ना ठा लिए, सारा रुका पाट रहा है, आपकी बात जायज है, लेकिन भाई ये शशि परमार का अधिकार नहीं है। तो शाम हल्के की 36 बरादरी ने हजारों बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद से फार्म सींच के बनाया भरवाया हुआ है, बाबा मुंगीपा और बालाजी की कृपा से भरा हुआ फार्म है, इसमें उकसुक हो नहीं सकती। और आप देखेंगे कि 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो बालाजी की कृपा से बाबे की कृपा से आप देखेंगे तो शाम हल्के की 36 बिरादरी की वजह से भारी बहुमत से हम ये सीट निकालेंगे। आपके आने से लगता नहीं कि ये जो चुनाव है ये रोचक बन चुका और कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा तो शाम के अंदर ही, क्योंकि आप हैं अनिरुद्ध हैं किरण चौधरी जी हैं, तो दो एक प्रकार का तो वर्चस्व लड़ रहा पर एक तरफ से एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व लड़ रहा है, क्या मानते हैं अब व्यक्तित्व जीतेगा या परिवार का वर्चस्व जीतेगा विधायक जी? देखो बात ये है मैडम, किरण चौधरी जी को नई नहीं 20 साल से विधायक हैं, हर चीज का एक समय होता है, लोगों ने खूब बरत के देख लिया। और भाई अनिरुद्ध चौधरी अभी नए आए हैं तो उनको थोड़ा समय लगेगा, उनका तो खून में राजनीतिक आप नहीं बताओ, उनका तो खून में राजनीतिक आप नहीं बताओ, फिर खून में राजनीति की बात, इनके पिताजी रणवीर महेंद्रा जी मेरे मुकाबले में 2000 में आज 24-25 साल हो गए मुकाबले में, मैं उनके मुकाबले जीत्या और बाड़ा से भी 3 बार वो चुनाव हारे हैं, तो जब 64 हो जाए समझ लो फिर कसर के रहेगी जी हैं, तो भाई इसका मतलब समझ लो उन तिला में तेल नहीं है। और दूसरी बात, रणबीर महेंद्रा जी तो बंसीलाल जी के बेटे हैं, पोते का तो नंबर 5 है भाई, बेटा है 4 बार लोगों का मन नहीं जीत पाया तो पोते का नंबर बाद में आएगा। मैं तो तुषाम की जनता को प्रार्थना एक के कर रहा हूँ कि भाई इनके जो भी मामले कोठी के जमीन के झगड़िया के हैं, इसलिए एक बार ये 5 साल का इन्हें सेटल करने के लिए केसों के लिए थोड़ी सी एक बार आराम दे दो और बीच में फुल स्टॉप लगाना भी चाहिए, ताकि हम एक मौका मुझे दें तो शाम के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए, और मैं यहाँ नए आयाम और विकास तो शाम में स्थापित करूँ। क्या कहेंगे आज दबाव भी है सब चीज है नेताओं पर आई हुई है आप मानते हैं? अब तो फार्म उठाने का कोई औचित्य ही नहीं रहा, 104 गांवों ने और पूरी 36 बिरादरी ने समर्थन दे करके शशि परमार को खड़ा कराया है और इतनी मेहनत कर रखी इन्होंने 10-15 दिन के अंदर, जबकि पुरानी 5 साल उससे पहले 2 साल 7 साल से पूरे हल्के में रहे हैं और 15 दिन से लगातार चल रहे हैं, हर बिरादरी हर गाँव में ब्याह शादी कांड मुकांड हर जगह दुख तरक तकलीफ में यहाँ हर टाइम पहुँचते हैं, तो फार्म उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अब तो किरण चौधरी और अनुरोध दोनों ही ये हो रहे हैं कि हमारा क्या होगा, वो तो दोनों एक परिवार से हैं, उन्होंने ये सोच रखा है कि कोई जीतेगा हमारा जीतेगा, लेकिन पब्लिक इस
जासे में नहीं आएगी, नहीं आएगी और शशि परमार जीतेगा। जैसे गांव में घूम रहे हैं वैसे लोगों को जो जन समर्थन देखने को मिल रहा है, हमें ये लग रहा है कि विधायक जी की बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत होगी, बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत होगी जी। नमस्ते, नमस्ते जी। क्या लग गया है ये जी 106 गांवों की पंचायत ने चुन की उम्मीदवार खड़ा करया और इसने एक एक घर में नू जान से कि भाई जो शशि परमार मैडम ने धोखा करया, उस बात का दुख होया, दुख होया। हम कार्यकर्ता इसके बीजेपी के को नहीं, हम शशि परमार के हैं जी। नमस्ते, इसी गांव से है? नहीं, मैं दिलों से। दिलों से के माहौल बन जाए तो सामने तू सामने तो शशि के साथ शशि के गिल्ले दबाव वाला है, शशि के ऊपर तो दबाव नहीं के लगा गटली पर बंद के मान मान के सत्य तरह की दबाव किस चीज का मानना है? अच्छा मान लो को नहीं मान लो जी दबाव फर्म ठाण का कि मैं कोनी फर्म ठाण भी कोनता ठाओ तो भी। अच्छा तो ठाण तो धक्का मार रखा है, धक्का मार रखा जी तावा की बढ़िया तरीके हां ये तो स्टार्ट करा रखा है चंडीगढ़ में 10 साल हो गए स्टार्ट करे। अच्छा 10 साल हो गए, चलो बढ़िया तरीके से रखा जी, बड़े तरीके से स्टार्ट कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम गांव खाना के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम था, तो देखते हैं जी अब क्या माहौल बनेगा, किस तरह से बनेगा। लेकिन आज चुनाव के वो निशान आ जाएंगे और फिर आगे से नेता चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तब तक जे एन सिंह शाह खास रिपोर्ट।